हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स आपके लिए लाए हैं। आप ध्यान दें, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मिसलेनियस मीन्स होता है पूरे चैप्टर का निचोड़। देखिए, तो इसमें दिया है, क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अमोंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। तो सबसे पहले दिया है एक्स, सच दैट एक्स रियल नंबर है और जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 12, तो इसका एक्स की जो वैल्यू आएंगी 2 और 6 आएंगी। इसका ए हो गया जे, बी 2, 4, 6, सी दिया है इवन नंबर्स और डी 6 दिया है। तो यहाँ पर क्लियरली, तो सबसे पहली बात है जी, इसमें देखिए आप, तो छोटा सेट है इसमें D है, तो देखो D सबसेट है A का और A सबसेट है B का एंड B सबसेट है D का। तो यहाँ एक दूसरे के सबसेट हैं, तो हम किसको किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए, A B का सबसेट है, ए सी का सबसेट है, ए बी का, ए सी का, देखिए ए सबसेट है सी का और ए डी का, सॉरी बी सबसेट है सी का। इसमें जितने बन सकते हैं सब लिखना है, डी सबसेट है ए का, डी सबसेट है बी का और डी सबसेट है सी का। तो ये सबसेट हमने लिख दिए, मतलब सबसेट मतलब इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन सेट ऑल्सो बिलोंग्स इनटू अदर सेट देन फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ अदर सेट। जैसे 2, 4, 6 है, 2, 6 बी में मिल रहे हैं तो ये बी का सबसेट है, बी के सी में, सी सब अगर मिल रहे हैं तो सबसेट हो जाता है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फाल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इज फाल्स है तो इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एक्स ए का एलिमेंट है एंड ए बी का एलिमेंट है सेट, तो हमें बताना है कि एक्स बी का एलिमेंट है या नहीं। तो देखिए, तो हमें ये बताना है आपको कि ये बी का एलिमेंट है या नहीं। तो पहला देखिए, इसमें कोई भी हम ले सकते हैं, तो ये पहला ये फॉल्स है, फॉल्स है। तो अब हमें इसमें एग्जांपल देना पड़ेगा, फॉल्स है तो हमें एक एग्जांपल देना पड़ेगा। देखिए, लेट ए सेट हम ले रहे हैं 1, 2, ए सेट 1, 2 ले रहे हैं हम और बी सेट हमने लिया है 1, 1, 2 एंड 3। देखो, तो यहाँ अब हम इस तरीके से लेते जाएंगे, इनमें टू एलिमेंट ए के अंदर है, ये टू इसमें है और टू एलिमेंट और ये 1, 2 है, ए सेट है पूरा 1, 2 एज इट बी के अंदर है, ये बी के अंदर है, मतलब ए 2 ए के अंदर है, ए पूरा बी के अंदर है, ठीक है ना। ए सेट क्या है? बी के अंदर है। देखिए, तो इसका मतलब है ए बिलोंग टू बी, बट जो 2 एलिमेंट की बात कर रहे थे वो बी के अंदर नहीं है, सेपरेट एलिमेंट होना चाहिए। 2 नॉट बिलोंग इन टू, ये देखिए 1, 1, 2
वन टू एक एलिमेंट है, इसे अलग नहीं कर सकते, सेपरेट टू कहीं भी नहीं है। ए क्या हो गया, टू बिलोंग्स टू, टू नॉट बिलोंग टू बी, बी में नहीं है, ये इसका हो गया था फाल्स। सेकंड वाला देखिए, ए सबसेट बी का है, बी सबसेट सी का है, इसका मतलब ए सी के को बिलोंग करेगा क्या? तो ये देखिए सेकंड वाला, ये भी फॉल्स है, सेकंड वाला भी फॉल्स है, फॉल्स है। तो एग्जांपल हमें देना पड़ेगा इसका, मतलब ए सेट हमने लिया, मान लीजिए ए के लिए सिंगल एलिमेंट है बी और टू है, और बी में ले लिया जीरो टू, देखिए सी ले लिया, सी में आ जाएगा वन जीरो टू एंड थ्री। देखो ए ए के सारी सारे एलिमेंट बी में हैं, तो यहाँ ए सबसेट है बी का, और बी बी के अंदर जीरो टू है, देखो मिल रहा है इसमें, बी बिलोंग्स टू सी बट ए नॉट बिलोंग टू सी, ए नॉट सबसेट ऑफ, लेकिन ए नॉट बिलोंग टू सी, ए में सिंगल एलिमेंट टू है, यहाँ सिंगल एलिमेंट टू नहीं है, ये जीरो टू को एक एलिमेंट है, अलग नहीं कर सकते हम, तो फाल्स था। इसमें एग्जांपल भी दे दिया इसका। अब थर्ड पार्ट है इसका, देखिए तो थर्ड पार्ट है ट्रू, ये पार्ट सॉरी थर्ड पार्ट है ट्रू है, ये देखो, तो थर्ड पार्ट ये दिया है, ये ट्रू है, इसे प्रूव करना, ए सबसेट बी का, बी सबसेट सी का, देन ए सबसेट है सी का, ठीक है। देखो लेट लेट ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, बी सबसेट है सी का, देखिए लेट एक्स बिलोंग इन टू ए, तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन टू बी, भाई एक्स सबसेट का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में तो होगा, तो एक्स ए में है तो बी में भी होगा, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज x also subset belongs to c, क्यों, क्यों b c का एलिमेंट है तो b के सारे एलिमेंट c में होंगे। दिस इम्प्लाइज देखो a x a के अंदर है, b के अंदर है, c के अंदर, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट c में भी है, a subset of c आ गया। फोर्थ देखो a not subset of b, b not subset of c, then a not subset of c, तो इसका मतलब है ये हम ये फॉल्स आया, इसे हम एग्जांपल दे के प्रूफ करना पड़ेगा, ये फॉल्स एफ ए एल एस ई फॉल्स। देखिए तो इसमें फोर्थ पार्ट है फॉल्स है, देखो लेट हमें एग्जांपल देना है, ए हो गया वन टू, ए सेट लिया वन टू, बी सेट ले रहे हैं जीरो सिक्स एट, जीरो सिक्स एट, और सी सेट ले लिया जीरो
वन टू सिक्स नाइन, कुछ भी ले लिया। हियर ए के एलिमेंट बी में नहीं है तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी, और बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है तो बी नॉट सबसेट ऑफ सी, हाउ एवर ये ए के एलिमेंट सी में मिल रहे हैं तो ए सबसेट है सी का, ए सबसेट है सी का, ये प्रूफ हो गया है। अब फिफ्थ पार्ट, एक्स ए का एलिमेंट है और ए बी का सबसेट नहीं है तो एक्स बी का एलिमेंट है क्या, तो ये भी फाल्स है भाई। जब एलिमेंट तो तभी होगा जब वो सबसेट होगा, फॉल्स है। तो हमें अब हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। लेट ए 3 5 7 मान लिया, कुछ भी ले सकते हैं, और बी 3 4 6, बी है 3 4 6 ले लिया हमने। इसके बाद देखो 5 ए के अंदर है, 5 ए के ए का एलिमेंट है एंड एंड ए सबसेट नहीं है, ए नॉट सबसेट ऑफ बी, हाउ एवर 5 नॉट बिलोंगिंग टू बी, ये हो गया। अब इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है, ए सबसेट बी का, एक्स बी में है तो एक्स ए में नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है, सॉरी ट्रू है। देखो हम बता दें अभी, देखो ये ट्रू है, या हम कुछ भी ले सकते हैं इस टाइप से। देखो लेट ए सबसेट है बी का एंड एक्स ए का एलिमेंट नहीं है, 200 एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी, सॉरी ए, ए का एलिमेंट नहीं है ये बताना है। देखो इफ पॉसिबल कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगा रहे हैं, इफ पॉसिबल सपोज एक्स बिलोंगिंग टू ए देन एक्स बिलोंगिंग टू बी, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, एक्स बी में नहीं है देयरफॉर एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए,
अगर कोई भी एलिमेंट ए में है तो बी में जरूर होगा, इसका मतलब सीधी बात है, सबसेट का होता ही है। क्वेश्चन थ्री देखिए, क्वेश्चन थ्री दिया है, लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो प्रूव करना है बी सेट इक्वल टू सी सेट। देखिए सॉल्यूशन, देखिए तो ये गिवन है, सब गिवन फॉर थ्री सेट्स ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये दिया टू सो बी इक्वल टू सी, लेट लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, एक्स ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट हम ले रहे हैं, देखो ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब है एक्स ए में हो सकता है और एक्स बिलोंग टू बी, दोनों में हो सकता है। दिस इम्प्लाइज भाई ये ए यूनियन सी के इक्वल है, एक्स बिलोंग इन टू ए और एक्स बिलोंग इन टू सी, भाई अगर इसमें कोई एलिमेंट है जिसके इक्वल है ए यूनियन बी में, तो ए यूनियन सी में भी होगा, ए यूनियन सी में है तो मतलब ए में होगा और सी में होगा, ये हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, तो देखो B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, क्योंकि A यूनियन B में है तो A B दोनों में ही होगा, ये है केस फर्स्ट। इसमें कुछ कंडीशंस बनेंगी, देखिए एक्स बिलोंगिंग टू ए ऑल्सो एक्स बिलोंगिंग टू बी, दोनों में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, देयर फॉर एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ये कंडीशन हो सकती है। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन सी, ये आ गया, देयर फॉर एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू सी देयर फॉर बी सबसेट है सी का, बी सी का सबसेट हो गया, बी से चले तो सी पे आ गए। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिए सिमिलरली सी सबसेट ऑफ बी, सी सबसेट ऑफ बी अगर उल्टा चलेंगे तो सी सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, देयरफॉर इस कंडीशन में बी और सी इक्वल आ गए। अब सेकंड केस देखेंगे, तो फर्स्ट केस से ये काफ़ी करीब हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है, अब काफ़ी है एक ही कंडीशन। क्वेश्चन फोर देखिए, अब देखो सो दैट फॉलोइंग फोर कंडीशन आर इक्विवेलेंट, बताना है कि चारों कंडीशन सेम है, ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी इक्वल टू फाइव,
ए इंटर यूनियन बी इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये बताना है। चारों कंडीशन है सेम है। देखो सॉल्यूशन देखिए आप, तो ये दिया है ए सबसेट ऑफ बी, ये चारों को बताना है। फर्स्ट फर्स्ट बी हैव टू शो दैट फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्विवेलेंट हैं। देखो तो लेट ए सबसेट ऑफ बी हमने मान लिया, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो ये मान लिया हमने ए माइनस बी नॉट इक्वल टू फाइव, ये थोड़ी देर के लिए मान लिया। दिस मीन्स इसका मतलब है कोई एलिमेंट ऐसा है जो ए में है और बी में नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये डेफिनेशन है ही नहीं, इस चीज़ की डेफिनेशन है ही नहीं। सबसेट का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, और यहाँ इसका मतलब ये है कि ए के एलिमेंट बी में नहीं है, तभी तो फाइव नहीं आया, वरना पूरे माइनस हो जाते, कॉमन एलिमेंट हट जाते। विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। एज ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट की डेफिनेशन नहीं हो रही, देयर फॉर ए माइनस बी क्या है, फाई होगा ही होगा। ये हो गया। अब सेकंड में देखिए, नाउ इसका मतलब है अगर ए सबसेट बी का है, इसका मतलब है ए माइनस बी हमेशा एम्प्टी सेट होगा ही होगा। ये अब सेकंड वाली कंडीशन में आओ, ए माइनस बी इक्वल टू हमने फाइव ले लिया, सेकंड कंडीशन यही है। देखिए ये हो गई, अब इसका फर्स्ट कंडीशन का ही हम उल्टा ले रहे हैं। देन टू प्रूव ए सबसेट ऑफ बी, ये प्रूव करना है, लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए क्लियरली एक्स बिलोंगिंग टू बी, भाई तभी तो कॉमन एलिमेंट खत्म हो रहे हैं। अगर बी में नहीं होगा देन ए माइनस बी फाई नहीं होगा। देयरफॉर अगर ए माइनस बी फाई है, ये तभी पॉसिबल है अगर ए बी का सबसेट है। इसका मतलब है कंडीशन फर्स्ट और सेकंड
इक्विवेलेंट हैं। ये देखिए, ये सेकंड फर्स्ट सेकंड हो गई। अब अगेन, अब नेक्स्ट वाले देखिए, लेट ए सबसेट भी हमने ले लिया टू शो, हमें शो करना है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी है। क्लियरली बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी में बी के सारे एलिमेंट होंगे। लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू बी, ये दोनों के अंदर होगा। केस फर्स्ट, इसमें भी केस फर्स्ट ले लें हम। ये मान लिया एक्स बिलोंगिंग टू ए सिंस एक्स ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ए यूनियन बी में हमने एलिमेंट ले लिया वो ए में है और बी में भी है। देखिए एक्स बिलोंगिंग टू बी में भी है, देयरफॉर ए यूनियन बी सबसेट है बी का। सिमिलरली अगर हम ये ले लें ए बी सबसेट है ए यूनियन बी का, ये तो होता ही है, बी सबसेट तो इसका होता ही है, पहले से ही है। तो इन दोनों को मिक्स कर देंगे हम। देखो यहाँ हमने लिया बी सबसेट होता है, बी सबसेट है और यहाँ ए यूनियन बी सबसेट है, इसका मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू बी हो गया है, ये अपना बन गया। देखो इसके बाद हम इसमें करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। देखिए ए इंटरसेक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगला तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है अब वन फोर्थ को नाउ। वी हैव टू शो वन पार्ट इक्विवेलेंट है फोर्थ पार्ट के, वन फोर्थ इक्विवेलेंट हैं। देखिए लेट ए सबसेट है बी का, क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए का होगा, ना दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं, ए में ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, ये आप इक्वल तो होंगे ही होंगे।
देखिए, लेट एक्स बिलोंग इन टू ए एच, ए सबसेट है बी का, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग इन टू बी, देयर फॉर एक्स बिलोंग इन टू ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया, देखो पहले यहाँ दिया था हमने, ये अपने पास था कि ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, और यहाँ आ गया है ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देयरफॉर ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रूफ हो गया, हेंस ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूफ हो गया। कन्वर्सली सपोज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये प्रूफ करना है। लेट एक्स बिलोंग टू एक्स, ए का कोई एलिमेंट ले लें हम, एक्स बिलोंगिंग टू ए ले लिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी में ले लिया, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी, ये ले लिया, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू बी। देयरफॉर ए सबसेट है बी का, हेंस फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट है फोर्थ पार्ट के, ये अपना हो चुका है क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, सो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। देखिए सॉल्यूशन, लेट हमने मान लिया ए सबसेट है बी का, टू सो हमें शो करना है सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। देखो लेट एक्स बिलोंग इन टू सी माइनस बी, सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग इन टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग इन टू बी, सी माइनस बी में एलिमेंट होंगे उसके बाद सी वाले बचे हुए एलिमेंट होते हैं, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग इन टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग इन टू ए, सिंस ए सबसेट है बी का, अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो ए में कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ए तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग इन टू सी एंड एक्स नॉट बिलोंग इन टू ए,
ए में नहीं होगा सिंस ए सबसेट है बी का. दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग इन टू सी माइनस ए, देयरफॉर सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का. ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है. अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे. सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए. देखिए हमें शो करना है ए इक्वल टू, ये देखिए ए बी दो सेट हैं, ए इक्वल टू इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये प्रूफ करना है. देखो सॉल्यूशन टू शो, हमें शो करना है ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये प्रूफ करना है. लेट एक्स बिलोंग टू ए, हमने ये मान लिया एक्स ए में है. देखिए दिस इम्प्लाई, हमें प्रूफ करना है तो एक्स इस पूरे सेट में भी है ये प्रूफ करना है. देखिए केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में हमने मान लिया ए में है, तो मान ली इसमें हमने मान लिया एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है. भाई इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी दोनों कॉमन एलिमेंट, ए में है तो ए इंटरसेक्शन बी में तो हो गई होगा, क्योंकि ये तो दोनों कॉमन एलिमेंट हैं ए बी के. देन देखिए देन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और ये सबसेट है ए यूनियन बी यूनियन ए माइनस बी के सेकंड. तो सेकंड केस है एक्स नॉट बिलोंग इन टू ए इंटरसेक्शन बी, ये मान लिया. इसका मतलब है एक्स नॉट बिलोंग इन टू ए एंड नॉट और एक्स नॉट बिलोंग इन टू बी, ये हो गया बी में नहीं है. देयरफॉर x not belonging to B. x not belonging to A. देखो this implies x not belong to ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है यूनियन ए माइनस बी. Therefore, A is subset A intersection B A minus B.
ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट देखिए क्लियरली क्लियरली ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए एंड ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए ये सेकंड हो गया फ्रॉम वन एंड टू ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी पहला पार्ट हो गया। दूसरा डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली सेकंड पार्ट डायरेक्ट लिख रहे हैं हम ए यूनियन बी ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए तो वी नो दैट ए सबसेट ए का कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा क्योंकि इस सेट में कॉमन एलिमेंट हैं। इसके सारे एलिमेंट ए में भी होंगे बी में भी होंगे। इसका मतलब है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा क्योंकि इसमें बड़ा सेट ए हो जाएगा। ऑल्सो ए सबसेट होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ए हमेशा इसका सबसेट होता है। ठीक है यूनियन का सबसेट होगा ही होगा तो वन टू को अगर हम मिला देंगे इसका मतलब हो जाएगा देखो ये पूरा सेट ए का सबसेट है और ए सबसेट है इस सेट का तो इसका मतलब एक दूसरे सबसेट हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ले रहे हैं अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन ए की जगह ए आ जाएगा ये आ गया। फर्स्ट पार्ट में देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है ये ए के इक्वल इसको ए लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए नेक्स्ट एट्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी तो ये जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हों तो हम एग्जांपल से शो कर रहे हैं ए में 0-1 एलिमेंट हैं बी सेट में 0-2-3 है सी में 0-2-4-5 है। अब यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी ए और बी में कॉमन एलिमेंट 0 और ए और सी में कॉमन एलिमेंट 0 मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दोनों का 0 है एक एलिमेंट। लेकिन देखिए आप ए और सी इक्वल नहीं है बी और सी इक्वल नहीं है क्योंकि बी में देखो यहाँ 2-3 एलिमेंट हैं जो सी में नहीं है यही हमको प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन 9 देखिए अच्छा क्वेश्चन है दो सेट हैं ए बी ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 और ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स तो हमें प्रूव करना है कि ए इक्वल टू बी है। देखिए तो यहाँ ये तो गिवन लिख लिया हमने अब हमने लिया ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स ए देखो
इसमें इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट ए आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स को हम लिख सकते हैं बी यूनियन एक्स। देखो ये आ गया। अब हम यहाँ पे वो लगाने वाले हैं ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन एक्स को हम फाई, ये क्वेश्चन में क्या बने ए इंटरसेक्शन एक्स फाई है, फाई का किसी के भी साथ एलिमेंट यूनियन निकालेंगे तो वो सेट ए इंटरसेक्शन बी आएगा। इसी तरीके से अगर हम लें बी इक्वल टू लें बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स ले सकते हैं, ये होता है। अब बी यूनियन एक्स को लिख सकते हैं ए यूनियन एक्स, देखो सेकंड पार्ट में बी यूनियन एक्स को लिख सकते हैं ए बी यूनियन एक्स को ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे इसमें हम बी इंटरसेक्शन ए एंड बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स को हम फाई लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब फाई का यूनियन करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा। देखो फर्स्ट में ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड में बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था। अब टेंथ क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, नॉन एम्प्टी सेट है, लेकिन हमें ये बताना है, ऐसा एग्जाम्पल देना है कि तीनों का इंटरसेक्शन फाई है। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया ए इक्वल टू जीरो वन, बी इक्वल टू वन टू, सी इक्वल टू टू जीरो। ए इंटरसेक्शन बी में देखो कॉमन वन एलिमेंट आ रहा है वन, बी इंटरसेक्शन सी में टू आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी में जीरो आ रहा है। इनमें से कोई भी देखो इंटरसेक्शन बी में भी एलिमेंट है, बी इंटरसेक्शन सी में भी एलिमेंट टू है, इंटरसेक्शन सी में भी एलिमेंट जीरो है। तो मतलब ये दोनों तीनों ही सेट नॉन एम्प्टी सेट हैं, लेकिन जब तीनों में देखेंगे तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, माने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई माने एम्प्टी सेट है। तो ये इसका देखिए कंप्लीट हो गया है।